pass unanimously. Thank you very much, sir. Sanjeev Nayak. महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया. मैं धन्यवाद करूंगा कि आज जिस दौर से हमारा देश गुजर रहा है, मैं समझता हूं कि 2010-11 में जो अर्थव्यवस्था 8.4 यानी कि 8.5% थी वो कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी हम आज जो देश को देना चाह रहे हैं, मैं अभिभाषण में पढ़ते वक्त देखा कि बहुत से कुछ नई योजनाओं को लगाने की, लागू करने की सोच सरकार ने की, और मुझे लगता है कि इस कोशिश में जरूर हम कामयाब होंगे. इसमें एक बहुत अच्छी बात रखी है कि जो लोकपाल और लोकायुक्त बिल जिसको हमने यहां तो पारित किया, लेकिन अभी भी उसके बारे में सभी देशवासियों के मन में प्रश्न चिन्ह है कि ये कब होगा, कैसे होगा. तो मैं समझता हूं भ्रष्टाचार ये सबसे बड़ी जड़ है और उसको उखाड़ने की कोशिश निश्चित रूप से हमारे इस देश में होगी, और सरकार इसके बारे में कोशिश कर रही है. सरकार ने कोशिश की है कि 2012-13 के वर्ष में करीब 5,000 कौशल विकास केंद्र में, मैं चाहूंगा सरकार की ये जो योजना है इसको अच्छी तरह से लागू करनी हो तो 21वें सदी में लोगों को जिस चीज की जरूरत है उसको हमने लागू करने की आवश्यकता, और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस बारे में जरूर सोचेगा. कृषि के क्षेत्र में हमने बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की है 2011-12 के दौरान, उसके तुलना में 10-40% हमने वृद्धि की है. मुझे लगता है कि ये जरूर हमारे सभी देशवासियों के लिए अच्छी बात है, खासकर शहरी विकास के बारे में. मुझे खुशी है कि पिछले 2 साल से हम कोशिश कर रहे थे कि JNNURM जो स्कीम आगे चल के भी लागू हो जाए, और इस साल उसके बारे में कहा गया है. मुझे निश्चित रूप से खुशी इस बात की है कि सिर्फ सरकार पूरे देश के बारे में सोचते वक्त जो शहरी जिले हैं, शहरी गांव है, वहां जो गरीबी बढ़ रही है उसके बारे में सोच रही है. मैं धन्यवाद करूंगा सरकार को कि इसके बारे में सोच रहे, लेकिन जो आवास की बात है तो पिछली बार ये आवास की जो 250 से 260 स्क्वायर फीट की थी इसको बढ़ाने की बात कही थी. मैं चाहूंगा कि सरकार इस बारे में जरूर सोचेगी, और जो गरीब लोग हैं शहरी इलाके में उनके लिए निश्चित रूप से ये फायदेमंद बात होगी. सरकार के इस धोरण में मैं समझ रहा हूं कि छोटे छोटे जो शहरों को, खासकर 20 लाख आबादी के शहरों को मेट्रो से जोड़ने की बात कही है. मैं चाहूंगा कि आगे इसके बारे में थोड़ा और सोचने की जरूरत है, क्योंकि कुछ ऐसे गांव है जो जल्दी शहर बन रहे हैं, और जो कुछ ऐसे शहर है वो जल्द से जल्द वो बड़े शहरों में उसका परिवर्तन हो रहा है. जैसे महाराष्ट्र में थाने जिला ये सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला बना है. मैं चाहूंगा कि जरूर इस बारे में आगे आने वाले 25 साल की सोच देखकर हमारे इस सरकार ने इस परियोजना को लागू करने की सोचनी चाहिए. मुझे लगता है कि सरकार इस बारे में जरूर सोचेगा. रियल इस्टेट क्षेत्र के लिए सरकार ने इस साल में बहुत अच्छे कुछ नए सुझाव रखे हैं. मुझे उम्मीद है कि इसके बारे में अगर सरकार, खासकर FSI के बारे में बात जब होती है तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग राय वहां है, तो मैं चाहूंगा कि इस बारे में सभी राज्य को, मुख्यमंत्रियों को अगर आप बुलाएंगे और एक ठोस योजना हम लाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले शहरों को इसको फायदा होगा. खासकर जिन गांवों में सुविधाओं का अभाव है उनके बारे में सरकार ने इस साल तो सोचा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आने वाले कल का बजट हमारे सरकार रखने वाले, पता नहीं उसमें क्या क्या होने वाला है, लेकिन मुझे इस साल के बजट में सरकार ये सभी प्रावधानों को रखकर हमारे देश को आगे लाने की कोशिश करेगी. मैं NCP पार्टी की ओर से मैं सरकार को पूरा भरोसा दिलाता हूं कि हम और मजबूती से देश को विकसित करेंगे और विकास की ओर बढ़ेंगे. आज मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं. श्री अनुराग ठाकुर.
धन्यवाद सभापति महोदय। पूरे देश की निगाहें बजट सत्र पर थी। राष्ट्रपति अभिभाषण के माध्यम से